नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा में आपका स्वागत है। जौनपुर में ब्लॉक प्रमुख पद का चुनाव शनिवार को कराने को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा। इसके बाद मतों की गणना करके परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। इस दौरान कुल 21 ब्लॉकों में से 16 में ही चुनाव होगा। यहां कुल 1546 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सुरक्षा को लेकर ब्लॉकों पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। 5 ब्लॉक किराकत, बक्सा, डोभी, रामनगर व बरसठी में मात्र एक ही नामांकन होने से यहां के प्रत्याशी का निर्विरोध चुनाव तय माना जा रहा है। चुनाव को लेकर ब्लॉकों पर जिला मुख्यालय से एक एआरओ समेत कुल 4 कर्मचारियों को लगाया गया है। मतदान को लेकर ब्लॉकों पर बैरिकेडिंग, सीसीटीवी कैमरा, मतदान कक्ष में घड़ी का बंदोबस्त कर दिया गया है। जिला प्रशासन की तरफ से शाहगंज, जलालपुर, मोगरा, बादशाहपुर जैसे संवेदनशील ब्लॉकों पर सीनियर अधिकारियों को लगाया गया है। विजयी प्रत्याशियों को कलेक्ट्रेट में जिला निर्वाचन अधिकारी के हाथों प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अब आपको बता दें, चुनाव वाले ब्लॉकों पर बीडीसी मतदाताओं की संख्या कुछ इस प्रकार है। धर्मापुर में 44, बदलापुर में 105, रामपुर में 100, मुफ्तीगंज में 64, जलालपुर में 85, सिकरारा में 88, महाराजगंज में 83, मड़ियाऊ में 106, सुजानगंज में 105, सुईथा कला में 93, सिरकोनी में 85, खुटहन में 109, करंजा कला में 111, मछलीसर में 114, मोगरा बादशाहपुर में 99, शाहगंज सोधी में 155 बीडीसी सदस्य मतदाता हैं। वहीं चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार वर्मा का कहना है कि 16 ब्लॉकों में चुनाव होना है। इसमें शाहगंज, मोगरा, बादशाहपुर, जलालपुर ब्लॉक पर एडीएम, सीआरओ, एडीएम स्तर के अधिकारियों को लगाया गया है। यह संवेदनशील ब्लॉक हैं। इसके अलावा मतदान स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। सीसीटीवी कैमरा, वीडियोग्राफर लगाए गए हैं। प्रत्याशी के अस्वस्थ होने पर मतगणना में दूसरा बीडीसी सदस्य ही प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित हो सकता है। घर का कोई भी सदस्य मतगणना के दौरान नहीं मौजूद रहेगा। प्रमाण पत्र कलेक्ट्रेट में जिला निर्वाचन अधिकारी के हाथों ही दिया जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर।